सविता अहिरवार और पूनम अहिरवार एक दलित परिवार से हैं जो दोनों ही विकलांग हैं और दोनों ये चाहते हैं कि उनके ससुर को जो शौचालय मिला है मर्यादा अभियान के अंतर्गत वो इन्हें दिया जाए। आप क्यों चाहती हैं कि आपको ये शौचालय मिले? ये चाहते हैं शौचालय के, अब ससुर के नाम पे है, हमारे नाम कुछ भी नहीं है और सो हम परमट भी नहीं है और चौदह आदमी है, हम लोग क्या मजबूरी क्या करेंगे, न कर भी सक नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है, निंगतन तो बनता नहीं है। पूनम और सविता ही नहीं, इस गांव में रहने वाले ग्राम खेजरा वलजू वार्ड नंबर में 6 में रहने वाले ऐसे 25 दलित हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है और 3 महीने पहले जनवरी के माह में ये गड्ढा खुदवाए गए थे कि आप लोग गड्ढे खोद लीजिए, आप लोगों को शौचालय मिलेंगे। और इतने 4 महीने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी, आज भी वहाँ कोई ऐसी बदलाव प्रक्रिया नहीं चल रही है, ऐसा कोई सामान नहीं उन्हें दिया जा गया है कि वो अपना काम शुरू करा सके। हम लोगों ने ये गड्ढा खुदा लिया शौचालय का, इसका पैसा नहीं मिला है और हम लोगों ने कहा है सरपंच सेक्रेटरी से कि हमको राशि दो, हम गड्ढा पूरा करा लें। इसीलिए उन लोगों ने ये बताई है कि हम 6,000 रुपये देंगे, राशि इसके बाद नहीं देंगे, आपका होगा गड्ढा चाहे ना होगा। इसीलिए हम लोगों ने मना कर दी उनसे कि हम नहीं लेंगे ये गड्ढा के पैसे, इतने थोड़ी लेंगे, जो हम शासन से मिलता है वो ही लेंगे। हम राशि बता रहे हैं 3,000 रुपये जाएगी, 3,000 रुपया मिले हैं, इसके अलावा अधिकारी पैसे तुम्हें मिले हैं और 900 रुपया तुम्हें लौट के जमा भी करने पड़े। तो ये किसने बोला आपसे? सचिव बोल रहा हूँ। वहाँ के लोगों ने जाके सचिव और सरपंच से बात की तो वहाँ के सचिव और सरपंच बोलने लगे कि किसी किसी को 3,000 रुपए देंगे और किसी किसी को सिर्फ 6,000 रुपए देंगे और उतने में ही उनको अपने शौचालय का काम कराना होगा। आप क्या चाहते हैं, कितना पैसा? जो हमारा मिला था शासन से वही चाह रहे, हमारा गड्ढा बनना चाहिए। तो आप बता सकते कितना मिलता है शासन से? 9,900 रुपए मिलते हैं। वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें ना 3,000 रुपए चाहिए ना 6,000 रुपए चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो शासन से आ रहा है, यानी कि 9,900 रुपए, या फिर जो जिस प्रक्रिया से, जिस नियम से ये बनवाए जा रहे हैं उसी नियम से बनवा के दे दिए जाएं। इस समस्या में बदलाव के लिए अधिकारी को फोन करें। पटियागढ़ के जो CEO हैं वो हैं श्रीमान राम गुलाम अहिरवार जी, जिनका फ़ोन नंबर है 81-20-07-27-24। मेरी आप सब प्रभावित लोगों से अपील है, इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें और अपना दबाव बनाएं। मैं आरती वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।